Hello everyone, welcome to my video on an important C++ project. इस वीडियो में हम फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे जिसमें हम यूजर को फोर ऑप्शन देंगे. वन के साथ इनकम को ऐड करवाएंगे, टू के साथ एक्सपेंस को ऐड करवाएंगे, थ्री के साथ हम टोटल बैलेंस मालूम करेंगे और फोर के साथ प्रोग्राम से एग्जिट कर सकेंगे. तो चलते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं यूजिंग sharp include io string. ओके, ये हमारी लाइब्रेरी है जिसमें हम इनपुट और आउटपुट को हैंडल कर सकते हैं. इसके बाद हमारी स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है. और इससे नेक्स्ट हम मेन का फंक्शन स्टार्ट करते हैं इन मेन, और ये इसकी पेरेंथेसिस आ गई और ये इसकी बॉडी में हम आ गई, ठीक है. तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने कुछ वेरिएबल लेने हैं जिनमें हम इनकम स्टोर करवाएंगे, इसके बाद एक्सपेंस स्टोर करवाएंगे और इनके अलावा हम उनमें जो हमारा बैलेंस होगा वो चाहे प्लस में होगा माइनस में होगा वो भी हम स्टोर करवाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टाइप. एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ इनकम का, ठीक है. इनकम ये एक वेरिएबल हो गया. सेकेंड वेरिएबल मैं ले लेता हूँ एक्सपेंस, और थर्ड में ले लेता हूँ बैलेंस. ओके, तो जितना बैलेंस आपका बाकी बच जाता है, एक्सपेंस इनकम आ रही है फिर एक्सपेंस हो रहे हैं, इसके अलावा कोई हमारा बैलेंस बच जाता है तो वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकेंगे. तो अब चलते हैं, मैं एक यहाँ पे वाइल लूप ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि जब तक हम चाहें प्रोग्राम हमारा चलता रहे और जब हम चाहें इसको क्लोज कर सकें या प्रोग्राम से एग्जिट कर सकें, ठीक है. तो यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ वाइल ट्रू, जब तक ये हमारी लूप ट्रू है तब तक ये वाइल लूप हमारी चलती रहे, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तब तक ये हमारी लूप चलती रहेगी. तो उसमें हम कुछ ऑप्शन देंगे. सबसे पहले मैं सी आउट को यूज करते हुए यहाँ पे आउटपुट में दे दूंगा जो भी हमारा आज का टाइटल है, फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये हमारा टाइटल है, ये यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया. इसके बाद यहाँ पे मैं एंडर ले लेता हूँ ताकि ये लाइन खत्म हो जाए और नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट है या जो स्ट्रिंग है वो हमारी नेक्स्ट लाइन पे अपीयर हो, ठीक है. तो यहाँ पे मैं एक डिवाइडर सा ले लेता हूँ, ठीक है. तो उसके लिए मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ इक्वल साइन. तो ये हमारा एक डिवाइडर होगा और इसके बाद यहाँ पे फिर मैं एक एंडल ले लेता हूँ, ठीक है. और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अब मैंने ऑप्शन शो करवाने हैं, ठीक है. वन इसके लिए एड इनकम, इनकम को ऐड करने के लिए हम वन गेट करेंगे और इसके बाद फिर लाइन को ब्रेक करेंगे, फिर सी आउट यूज करेंगे और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देंगे वन के साथ एड एक्सपेंस, ठीक है. और इसके बाद फिर एंडल यूज करेंगे ताकि लाइन को ब्रेक कर सकें और इसके बाद फिर हम यूज करेंगे थ्री, ठीक है. थ्री तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं बैलेंस. ओके, तो यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी और इसके बाद फिर से मैं लाइन को ब्रेक कर दूंगा और अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं. तो यहाँ पे अगर प्रोग्रामर या यूजर वो प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहता है तो उसे हम उसके लिए एक ऑप्शन देंगे. तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फोर, तो यहाँ पे हम करेंगे एग्जिट. ओके, अगर प्रोग्राम से एग्जिट होना चाहते हैं तो फोर एंटर करें. तो अब मैंने ये चॉइस किसी एक वेरिएबल में यूजर से गेट करनी है तो उसके लिए हमें पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा. वो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, वाइल लूप के बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है. चले हम वाइल लूप के बाहर ही कर लेते हैं. ओके, तो इसकी टाइप भी इंट ले लेते हैं और चॉइस के नाम से मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है. तो अब यहाँ पे मैं एक और एंटर करता हूँ स्ट्रिंग के एंटर चॉइस. ओके, ये हम यूजर से कह रहे हैं कि आप अपनी चॉइस को एंटर करें, मतलब वन एंटर करना चाहते हैं, टू, थ्री या फोर, जो भी एंटर करना चाहते हैं वो करें, ठीक है. और इसके बाद यहाँ पे हम सी इन को यूज करते हुए ये वेरिएबल ले लेंगे चॉइस, क्योंकि जो भी हम चॉइस या वैल्यू यूजर से गेट कर रहे हैं उसको हम इस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और इसके बाद हम इनके मुताबिक हैंडल करेंगे. तो बाई यूजिंग इफ कंडीशन, ये इफ ओके चॉइस इज इक्वल इक्वल वन, ठीक है, कि अगर यूजर वन एंटर कर देता है तो फिर क्या करेंगे, फिर हमने
इनकम को ऐड करवाना है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कि ऐड इनकम, तो यहाँ पे हम इनकम को ऐड करवाएंगे। इसके बाद else if को यूज करते हुए हम कहते हैं कि इफ ट्वाइस इज इक्वल इक्वल सॉरी इक्वल इक्वल टू, अगर यूजर टू एंटर करता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे ऐड करवाएंगे एक्सपेंस को, ओके। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस को ऐड करवाएंगे और थर्ड में चलते हैं, तो यहाँ पे फिर से मैं एल्स इफ यूज करूंगा और यहाँ पे करते हैं चॉइस इज इक्वल इक्वल थ्री, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम थ्री के साथ हम बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट बैलेंस, और इसके बाद अगर फोर्थ ऑप्शन में आ जाएं फिर से मैं एल्स इफ यूज करूंगा और यहाँ पे करेंगे चॉइस इज इक्वल इक्वल फोर, ठीक है। फिर आ जाएंगे इसकी बॉडी में और यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि हमने एग्जिट करना है प्रोग्राम से, तो हम यहाँ पे कर देंगे ब्रेक, ओके। लेकिन इससे पहले हम एक स्ट्रिंग भी प्रिंट करवाएंगे, गुड बाय या बेस्ट ऑफ लक इस तरह की, ठीक है। हम कर लेते हैं बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ये हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा देंगे और उसके बाद हम एग्जिट कर जाएंगे प्रोग्राम से, और यहाँ से मैं एंड एल भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपको आई होप समझ आ गई होगी, हमने यूजर से एक वैल्यू गेट की, जो भी उसकी डिजायर थी या उसकी रिक्वायरमेंट थी, मतलब वो इनकम को ऐड करना चाहता है तो वन एंटर करेगा, अगर वो एक्सपेंस को ऐड करना चाहता है तो टू एंटर करेगा, और इसी तरह अगर वो बैलेंस इंक्वायरी चाहता है तो फिर थ्री एंटर करेगा, और अगर प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहता है तो वो फोर एंटर करेगा। तो इस तरह से हमने जो भी च्वाइस थी वो गेट कर ली इस च्वाइस के वेरिएबल में, ठीक है। तो ये हम रन टाइम पे प्रोग्रामर या यूजर से ये च्वाइस गेट करेंगे, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं कि अगर यूजर ने एंटर किया तो फिर हमने क्या करना है, इनकम को ऐड कर रहे हैं, और इसी तरह बाकी सब कंडीशंस को हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। और यहाँ पे लास्ट एक काम करना है हमने, वो ये, अगर इन च्वाइसेस के अलावा यूजर अगर कुछ और एंटर कर देता है, मतलब वन से फोर के अलावा कोई और वैल्यू दे देता है, जीरो दे देता है या फाइव दे देता है, तो ये इनवैलिड इनपुट है, तो ये एरर भी हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है, एरर, और यहाँ पे करेंगे इनवैलिड इनपुट, तो ये हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। और यहाँ पे मैं फिर से एंडल ले लेता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है, और उसमें ये सारा प्रोसेस करेंगे, हम यूजर से जितनी इनकम है वो गेट करके स्टोर करवाएंगे इस वेरिएबल में, इनकम के वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिक्लेयर कर लेता हूँ पहले, जिसकी रिटर्न टाइप मैं वाइड रखता हूँ, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और इसके बाद कुछ भी आप नेम रख सकते हैं, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इनकम एड, ये एड एड इनकम बेटर रहेगा मेरा ख्याल, एड इनकम, ओके। और यहाँ पे हम इसकी बॉडी ले लेते हैं, तो ये हमारा डिक्लेयर हो गया एक फंक्शन। तो यहाँ पे हमें कुछ आर्गुमेंट्स की जरूरत होगी, क्योंकि हमने ये इनकम ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट इन ले लेते हैं या इंट सी ले लेते हैं, ठीक है, ये फॉर्मल आर्गुमेंट है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे इसमें मैंने आर्गुमेंट एक पास कर दिया, अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अब मैंने यूजर से गेट करनी है इनकम, ओके। तो यहाँ पे पहले तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसमें मैंने इनकम गेट करनी है, ओके। तो वेरिएबल आप किसी भी नेम से डिक्लेयर कर सकते हैं जिसकी टाइप इंटीजर होगी, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनकम नेम से ले लेता हूँ या आई से ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब आई इनकम, ओके। और यहाँ पे अब मैं स्ट्रिंग प्रिंट करता हूँ कि एंटर इनकम, ओके। तो ये हमारी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, यहाँ पे एंड एल ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे मैं सी इनको यूज करते हुए आई में जितनी भी इनकम है वो मैं गेट कर लूंगा, ठीक है। तो ये आई में गेट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि ये जो इनकम है ये इस वेरिएबल में, जो इनकम का वेरिएबल था, इसको असाइन करनी है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम, इनकम, ओके, और इसके बाद हम इनकम में जो पहले वाली वैल्यू होगी, अच्छा यहाँ पे हमें इसको साथ में इनिशियलाइज भी कर लेना चाहिए जीरो के साथ, ओके, इन सबको,
यहाँ पे मैं जीरो के साथ इनको इनिशियलाइज पिक कर लेता हूँ। तो इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि अभी तक इनकम एक्सपेंस और बैलेंस में जीरो है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं अब कर रहा हूँ कि इनकम प्लस आई, ओके। तो ये इसका मतलब है कि इनकम में जो भी वैल्यू पहले पड़ी हुई है, अभी तो जीरो पड़ी है लेकिन हो सकता था 1000 हो, तो जो भी इसमें वैल्यू है या जितनी इनकम पड़ी हुई है उसके साथ जो न्यू इनकम हमने गेट की है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आउटपुट होगा या रिजल्ट होगा वो हम फिर से इसी वेरिएबल को असाइन कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट करें, पहले हमारे पास 1000 था, तो अब हमने 500 और ऐड कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा इसमें टोटल जो वैल्यू हो जाएगी वो 1500 होगी, ये 1000 एंड 500, ठीक है। तो ये इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे इफ वन में, के इफ चॉइसेस इक्वल इक्वल वन। तो यहाँ पे पहले तो मैं ले लेता हूँ सिस्टम क्लियर स्क्रीन, ताकि जो आउटपुट है हमारी वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी कॉलन लेना है, तो याद रखिएगा सी प्लस प्लस में हर स्टेटमेंट के लास्ट पे आपको सेमी कॉलन यूज करना है। तो अब यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, ये था एड इनकम, ठीक है। और इसमें जो आर्गुमेंट है वो हमने दिया हुआ है इनकम, ठीक है। तो अब आपने वही वेरिएबल नेम यहाँ पे आप देना है जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्मल नेम आपने नहीं देना, तो यहाँ पे अलबत्ता आप फॉर्मल नेम दे सकते हैं, वही इनकम भी दे सकते हैं, कोई दूसरा नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम इसमें इनकम ले रहे हैं। चलते हैं हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। आप किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं किसी भी जगह पे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है ये डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जाएं तो यहाँ पे काम मुझे रखना चाहिए, यदि इस पीसी में चलते हैं और यहाँ पे मैं चलता हूँ डी में, ठीक है। डी को ओपन करते हैं और यहाँ पे मेरे पास सीपीपी फाइल्स पड़ी हैं, तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। आप किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ क्योंकि फाइनेंस मैनेजमेंट है, तो मैं यहाँ पे फाइनेंस ही ले लेता हूँ। तो इस तरह से ये सेव हो जाएगा, अब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आपका कंपाइल एंड रन का ऑप्शन है, या आप अपने कीबोर्ड से F11 एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ पे कोई आई थिंक एरर है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे सेमी कॉलन मैंने यूज नहीं किया, तो सेमी कॉलन आपने मस्ट यूज करना है हर स्टेटमेंट के लास्ट में। अब मैं फिर से इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये रहा इसका आउटपुट फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब आप ये वन के साथ ऐड कर सकते हैं, टू के साथ सॉरी ऐड इनकम, सेकंड के साथ ऐड एक्सपेंस। अभी हमने वन एंटर करना है क्योंकि हमारे पास अभी सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो वन एंटर करेंगे तो एंटर इनकम, अब आप इनकम एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1000, ठीक है। तो ये अब ऐड हो चुकी है और फिर से आप सेकंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे एक हम स्ट्रिंग भी प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे इसी फंक्शन में चलते हैं, यहाँ पे जब ये सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा तो हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाएंगे सी आउट को यूज करते हुए, ठीक है। सी सॉरी सी आउट, तो इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं कि इनकम, ओके, क्योंकि इनकम को हमने ऐड कर लिया, तो अब ये मैसेज भी प्रिंट करवाना चाहिए कि इनकम एडेड सक्सेसफुली, ओके। तो ये हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे और इसके बाद यहाँ पे अब मैं एंड एल ले लेता हूँ, और अगर चाहें तो आप यहाँ से एंड एल को हटा सकते हैं। तो ये क्या होगा कि आपके पास एक ही लाइन में ये स्ट्रिंग आएगी और उसी लाइन में आप वैल्यू एंटर कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट अब चलते हैं। तो अब ये सेकंड ऑप्शन को हमने फंक्शनल करना है, मतलब टू के साथ हमने एक्सपेंस को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, मैं एक और फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, तो इसकी टाइप भी रिटर्न टाइप वाइड होगी, मतलब ये कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे एड एक्सपेंस, ओके, और यहाँ पे हम आर्गुमेंट ले लेंगे एक्सपेंस का, तो इसकी टाइप इंट है और
एक्सपेंस के नाम से मैंने एक फॉर्मल आर्गुमेंट ले लिया, इस फंक्शन की बॉडी में चले जाते हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक उसी तरह वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना क्योंकि हमने इनकम गेट करनी, सॉरी एक्सपेंस गेट करनी। ओके, इंट ई, ई के नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे अब सी आउट को यूज करेंगे, एंटर एक्सपेंस। ओके, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक कॉलन और एक स्पेस ले लेते हैं और अब इसी के सामने हम वैल्यू एंटर करेंगे बाय यूजिंग सी इन और यहाँ पे ई को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यूजर जो भी वैल्यू ये एक्सपेंस एंटर करना चाहेगा वो हम ई के वेरिएबल में गेट कर लेंगे और फिर इसे एक्सपेंस में, ठीक है, इसको असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मल आर्गुमेंट था वो था एक्सपेंस। ओके, और इसमें हम जो एक्सपेंस में पहले वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ ये न्यू जो वैल्यू आई है इसको ऐड कर लेंगे और फिर जो भी इसका रिजल्ट होगा वो फिर से एक्सपेंस के वेरिएबल को असाइन कर देंगे। उसी तरह अगर एक्सपेंस में 1000 है तो यहाँ पे जो न्यू एक्सपेंस ऐड किया गया है वो 200 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1000 के साथ 200 को ऐड कर दिया जाएगा और जो भी रिजल्ट है वो फिर से इसी वेरिएबल को हम असाइन कर देंगे। तो इस तरह जो एक्सपेंस के वेरिएबल में पहले से वैल्यू थी वो अपडेट हो जाएगी, अब ये न्यू वैल्यू इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि सी आउट कि एक्सपेंस, ओके, एक्सपेंस एडेड, सॉरी एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे हम ले लेंगे एंड एल। ओके, तो अब इस फंक्शन को भी हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं इफ चॉइस इज इक्वल इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने ऐड करना है इस फंक्शन को। तो क्या नाम रखा था हमने, ऐड एक्सपेंस और इसमें हमने आर्गुमेंट देना है एक्सपेंस। ओके, तो ये अब वो रियल वेरिएबल है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यहाँ ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अब यही नेम आपने वहां पे एंटर करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया, अब इसको टेस्ट करते हैं कि इनकम ऐड हो रही है या नहीं हो रही और इसी तरह हम एक्सपेंस को भी टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे जो इनकम है वो हम एंटर कर सकते हैं जैसा कि 1000 और मैं एंटर की क्लिक करूंगा तो इनकम एडेड सक्सेसफुली, तो ये सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी वाइल लूप में वैल्यूज थी या स्ट्रिंग थी वो अब प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे फंक्शन की आउटपुट है, सॉरी यहाँ तक, यहाँ से ये हमारे फंक्शन की आउटपुट है। और इसे नेक्स्ट चलें तो अब यहाँ पे मैं 2 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एक्सपेंस ऐड करने के लिए एंटर एक्सपेंस। तो अब ये यहीं पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सिस्टम क्लियर स्क्रीन मेथड यूज नहीं किया हुआ, तो इसलिए पीछे वाला जो आउटपुट था वो भी मौजूद है और इसके आगे वो एक्सपेंस को एंटर करने का कह रहे हैं। चलें हम यहीं पे ऐड कर देते हैं और फिर इसके बाद सिस्टम क्लियर स्क्रीन को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्सपेंस ऐड, तो मैं 500 कर लेता हूँ और एंटर की क्लिक करता हूँ, एक्सपेंस एडेड सक्सेसफुली, तो ये भी ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और चलते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे एक ले लेना चाहिए सिस्टम क्लियर स्क्रीन और एक काम और करना चाहिए मुझे, यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी ले लेनी चाहिए ताकि एक लाइन का गैप हो हमारे फंक्शन के आउटपुट में और हमारे जो व्हाइल लूप की आगे आउटपुट आती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक सी आउट ले लेते हैं और इसके बाद इसी तरह ये काम हम ऊपर भी कर लेते हैं इनकम में भी, एक्सपेंस में जिस तरह हमने एक लाइन का स्पेस लिया इसी तरह यहाँ पे भी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वही काम कर लेते हैं, एक स्पेस लेते हैं, ओके, और यहाँ पे एंडल ले लेते हैं। तो अब ये एक स्पेस आ गई हमारे पास, यहाँ पे भी मुझे एंडल ले लेना चाहिए तो यहाँ पे भी मैं एंडल ले लेता हूँ। ओके, और अब ये हमारा इनकम और एक्सपेंस हो गया। यहाँ पे अलबत्ता मुझे सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज कर लेना चाहिए ताकि जो प्रीवियस आउटपुट है वो हाइड हो जाए, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिस्टम क्लियर स्क्रीन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन ले लेते हैं। तो अब ये हमने इसको भी फंक्शनल कर लिया सेकंड ऑप्शन को, अब चलते हैं थर्ड में। अब हमने बैलेंस चेक करना है कि हमारे पास जितनी इनकम आई है फिर एक्सपेंस हुए हैं उसके बाद हमारे पास जो बैलेंस है या प्रॉफिट है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम
एक और फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसकी रिटर्न टाइप yd में रखूंगा और ये है हमारा बैलेंस, ओके बैलेंस इंक्वायरी। तो ये मैंने एक फंक्शन लिया, इसमें अब मैंने क्या करना है, कितने आर्गुमेंट्स पास करने हैं, एक तो मैंने करना है इनकम, ओके सेकंड मैंने करना है इंट एक्सपेंस, और थर्ड मैंने करना है बैलेंस। तो ये मैं तीनों क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो इनकम है वो भी चेक करनी है यहाँ पे कि टोटल इनकम हमारे पास कितनी है, फिर उसमें से हमने एक्सपेंस को माइनस करना है, ठीक है, और जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारा बैलेंस होगा। हो सकता है वो वैल्यू प्लस में हो सकता है वो वैल्यू हमारी माइनस में हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते हैं इसकी बॉडी में, अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी न्यू वैल्यू नहीं ले रहे, जस्ट हम यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस पे कैलकुलेशन परफॉर्म करके जो भी रिजल्ट है वो बैलेंस को हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं बैलेंस का वेरिएबल और यहाँ पे इनकम से माइनस कर देंगे एक्सपेंस को, ठीक है। तो इस तरह जो भी वैल्यू होगी वो बैलेंस में आ जाएगी। तो अब हमने ये भी देखना है कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही है क्या वो माइनस में है, अगर माइनस में है तो फिर तो लॉस में है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या शॉप जो भी है, जो भी बिजनेस है वो लॉस में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं इफ, ओके यहाँ पे हम कंडीशन यूज कर सकते हैं इफ बैलेंस, सॉरी ये वेरिएबल है हमारा बैलेंस का, बैलेंस इज लेस देन जीरो, ओके सॉरी यहाँ पे लेस देन जीरो यूज करना चाहिए कि अगर ये जीरो से कम है, इसमें बैलेंस में जो भी वैल्यू आई है वो अगर जीरो से कम है तो इसका मतलब है तो वो माइनस में है, तो वो हम फिर इस तरह से लॉस में है। तो यहाँ पे हम करूंगा, पहले तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा दूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे कह देते हैं यू आर इन लॉस, ओके ऑफ, अब यहाँ पे मैंने जितना भी हमारा लॉस चल रहा है वो यहाँ पे प्रिंट करवाना है, वो कहाँ पे है बैलेंस के वेरिएबल में, ओके लॉस ऑफ यहाँ पे बैलेंस जो भी बैलेंस में वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे फिर मैं लूंगा लॉस ऑफ, यहाँ पे आप डॉलर यूज कर सकते हैं या चलें हम रुपीस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से होगी, यू आर इन लॉस ऑफ, आगे जितने भी यहाँ पे बैलेंस शो होगा तो यहाँ पे आगे रुपीज आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एंड एल ले लेते हैं और सेमी कॉलम, ओके। तो यहाँ पे आप चाहें तो डॉलर साइन भी ले सकते हैं, हम डॉलर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एंड एल ले लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन पे जाके एक एम्प्टी लाइन भी प्रिंट करवा देंगे बाय यूजिंग सी आउट, और यहाँ पे भी एक एंड एल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी हमारा लॉस चल रहा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं एल्स इफ, ओके, और यहाँ पे इसकी बॉडी में भी आ जाते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं कि एल्स इफ बैलेंस, सॉरी यहाँ पे मुझे यूज करना चाहिए बैल, ओके बैलेंस इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है हम प्रॉफिट में है, जो हमारे पास वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है तो इसका मतलब है हम प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे सी आउट और यहाँ पे कर देंगे यूर, ओके यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं यूर लॉस इज, ये भी कर सकते हैं, चलें जिस तरह आपको सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग वो स्ट्रिंग प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। यू आर इन प्रॉफिट, ओके ऑफ, तो यहाँ पे अब हमने प्रॉफिट को प्रिंट करवाना है तो वही वेरिएबल हम यूज करेंगे जो कि बैलेंस का है, और इसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे देंगे डॉलर, ओके तो यहाँ पे हम डॉलर साइन यूज कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे एंड एल ले लेंगे और नेक्स्ट लाइन पे जाके एक एम्प्टी लाइन हम प्रिंट करवा देंगे, ओके। तो ये अगर तो हमारा जो बैलेंस है उसमें जो वैल्यू आई है इस कैलकुलेशन के बाद वो अगर जीरो से कम है तो फिर हम लॉस में हैं और इस तरह ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो हमारे पास वैल्यू आई है वो अगर जीरो से बड़ी है तो फिर हम प्रॉफिट में हैं और ये बॉडी जो एल्स इफ की है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब चलते हैं लास्ट में,
ये लास्ट में भी हम कर चुके हैं कि अगर यूजर फोर एंटर करता है तो हम प्रोग्राम से एग्जिट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं जस्ट इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन को यूज करूंगा ताकि आउटपुट जो प्रीवियस आउटपुट है उसको हम हाइड करवा सकें। तो यहाँ पे हम अब फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो ये था बैलेंस इंक्वायरी और इसमें हमने आर्गुमेंट्स देने हैं। तो जिस तरतीब से हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जो हमारी यहाँ पे तरतीब थी, पहले इनकम एक्सपेंस और बैलेंस, यही हमने इधर भी यूज करने हैं। तो इनकम, इसके बाद एक्सपेंस और इसके बाद बैलेंस, ठीक है। और लास्ट में हमने सेमी कॉलन यूज कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसको फिर से सेव करता हूँ और इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, सॉरी, यहाँ पे कंप्लीट नेम मैंने देने हैं, मैंने उसी तरह फॉर्मल आर्गुमेंट्स के नेम दे दिए, ये हमने कंप्लीट नेम देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस, ओके। अब इसको फिर से सेव करते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आउटपुट देख सकते हैं आप, हमारे पास अब कोई भी एरर नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ, तो एंटर इनकम मैं 1000 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इनकम एडेड सक्सेसफुली। इसके बाद फिर से जो व्हाइल लूप में हमने जो भी कोड लिखा था उसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। मैं फिर से 1 एंटर करता हूँ और कुछ और इनकम ऐड कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500 या 500 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंटर करते हैं तो इनकम एडेड, तो ये इनकम भी ऐड हो चुकी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक्सपेंस ऐड कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे 2 एंटर करूंगा और यहाँ पे हम कर लेते हैं 800, ये हमारा एक्सपेंस है, और एंटर की मैं क्लिक करता हूँ, एक्सपेंस एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं बैलेंस चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 3 एंटर करता हूँ और 3 के साथ हम बैलेंस चेक करते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे शायद कोई लॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको काम करना चाहिए। मैं फिर से 3 एंटर करता हूँ, एंटर, लेकिन आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम क्या है वो हम देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं, चॉइसेस इक्वल इक्वल 3। तो आप देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें क्यों आ रही है। तो ऊपर फंक्शंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जितने भी आर्गुमेंट्स पास किए हैं इनको बाय वैल्यू किया है, मतलब इनमें जो भी वैल्यू है उनकी एक कॉपी जा रही है, ठीक है। तो अब ऐसे करते हैं कि इनको बाय रेफरेंस पास करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ये एम्पर साइन यूज, ठीक है, यहाँ पे भी एम्पर साइन यूज कर लेते हैं। तो अब हम इनको बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम पास कर लेते हैं, या अगर यहाँ पे ना भी करें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर जितनी वैल्यूज थी ये दोनों हमने बाय रेफरेंस पास की है। अब मैं फिर से इसको सेव करता हूँ और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कोई एरर नहीं है तो आउटपुट ये हमारे पास आ चुका है। तो अब चलते हैं, 1 एंटर करते हैं, और 1 एंटर करने के बाद एंटर की क्लिक करता हूँ, तो अब मैं ऐड करता हूँ 1000, फिर एंटर करता हूँ, तो इनकम एडेड सक्सेसफुली, तो ये सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। इसके बाद अब मैं एक बार फिर से इनकम ऐड करता हूँ और अब वैल्यू देखता हूँ 500, ओके। तो अब ये इनकम एडेड सक्सेसफुली, तो हमारी इनकम ऐड होती जा रही है। अब ऐसा करते हैं हम एक्सपेंस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं कर लेता हूँ 200, एक बार कर लेता हूँ मैं फिर से 500, ओके। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये अब हमारे एक्सपेंस ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे 3 एंटर करता हूँ और बैलेंस चेक कर लेते हैं कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। एंटर किया तो यहाँ पे कर लेते हैं यू आर इन प्रॉफिट ऑफ 800, ठीक है। तो 800 के अभी तक हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सपेंस को फिर से ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 2 एंटर किया, अब मैं यहाँ पे 1000 एक्सपेंस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फिर एंटर किया तो ये हमारा एक्सपेंस जो है ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 3 एंटर करता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं, यू आर इन लॉस ऑफ 200 -$200, ओके। तो हम अब -$200 के लॉस में चल रहे हैं, तो ये अब प्रिंट हो चुका है। तो जब हमारी इनकम ज्यादा थी, एक्सपेंस कम थे, तब
तब हम प्रॉफिट में थे, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट शो हो रहा था। अब हम, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंस है वो ज्यादा हो चुका है, जो हमारी इनकम थी वो कम है, तो अब हम यहाँ पे लॉस में जा रहे हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंग हमें मैसेज प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा किस तरह से हम फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।